गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तनुश्री बिहार में। आज हम आप सबको बताने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आखिर हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए क्यों खतरनाक है? आखिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्यों रहना चाहिए? और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? और अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको इससे क्या क्या खतरा हो सकता है, आप इसे कैसे बचें? हमारे इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक 2400 घंटा रक्त प्रवाहित होता रहता है जब भी हमारा दिल धड़कता है। दरअसल यह इसे पंप कर रहा होता है जो कि पूरे शरीर में आर्टरीज और वेन के माध्यम से पहुंचता है। अब सवाल ये उठता है कि शरीर में खून क्यों प्रवाहित होता है? दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो बॉडी हैं उसमें सभी को पोषण की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम लोग विटामिन्स लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं। इसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पाचन क्रिया होती है। इसके बाद जो अच्छे पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के माध्यम से हमारे और ऑर्गन्स में जाते हैं और जो बुरे होते हैं वो हमारे यूरिन और मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जब ब्लड हमारे बॉडी में प्रवाहित होता है तो वेन और आर्टरीज दोनों किनारों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर कोई पाइप है, अगर पाइप में से पानी गुजारा जाता है तो पाइप के दोनों किनारे बिल्कुल ही अकड़ जाता है। तो जस्ट लाइक उसी तरह से जब ब्लड वेन और आर्टरी के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है तो उसी तरह से जब उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो जो हमारे आर्टरीज और वेन होते हैं वो उसी बिल्कुल उस पाइप की तरह अकड़ जाते हैं। जो ये दबाव पड़ता है इसी दबाव को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर यही दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी से हमारा ब्रेन हैमरेज होने का खतरा रहता है, हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है और तो और पेशेंट जो है बहुत जल्दी डेथ भी कर जाता है, मतलब कुछ मिनट लगते हैं उसे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए ज़रूरी है हमारे पास कम से कम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि ये आजकल बहुत ही कॉमन है। चलिए जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब ब्लड प्रेशर का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जो बॉडी का ऑर्गन्स है जैसे किडनी, मस्तिष्क, हार्ट, ये सभी ऑर्गन जो है काम करना बंद कर देता है, यानी कि उनका जो काम करने का क्षमता होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि ये सारे जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनका जो डिजीज होता है, उनका जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो उन्हें महसूस करना या फिर उसे जानना बहुत क्रिटिकल होता है। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को कई अन्य बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक और जो मस्तिष्क है उसकी बीमारी और फिर लीवर की, ये सारे अंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। और ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है ये आपको पता ही होगा, इसीलिए इसका सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अन्य किसी भी बीमारी से बच सकें। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी फेल हो सकती है या फिर किडनी से संबंधित कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। आँख से धुंधला दिखाई दे सकता है या फिर आँख की पूरी तरह से रोशनी जा सकती है। आपका याददाश्त कमज़ोर हो सकता है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा आपका जो है माइंड डाइवर्ट होने लगे, किसी चीज़ में मन नहीं लगने लगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो जाए या फिर अन्य कई सारी बीमारियाँ हमारे ऊपर अटैक कर देती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हैं। हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ही सामान्य लक्षण है जिसे कि हर व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक है।
अक्सर सिर में दर्द रहना, दर्द की दवाई खाने पर दर्द ठीक हो जाना, फिर से दोबारा दर्द हो जाना, आँख के आगे धुंधला दिखाई देना, या फिर कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा जाना और बेहोशी आना, ये सब इनके सामान्य लक्षण हैं। किसी भी समय अचानक से दिल का धड़कन बढ़ जाना या फिर घट जाना, या फिर अचानक से नाक से ब्लीडिंग होने लगना, या फिर नींद कम आना। आजकल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आखिर क्यों बढ़ रही है? सबसे पहली बात है कि जो आजकल की युवा है, जो आजकल हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जंक फूड खाना पसंद करते हैं, जिनमें कि सोडियम और वसा का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ये कारण है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। और दूसरी बात ये है कि जो लोग नाइट शिफ्ट काम करते हैं, उन लोगों को देर रात तक जगना होता है और दिन में सोना होता है, जिसकी वजह से उनकी रूटीन जो है गड़बड़ हो जाती है। इसके भी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी आम हो रही है। जो लोग ज़्यादा फास्टिंग रखते हैं, जो लोग ज़्यादा उपवास करते हैं, जो लोग किसी वजह से ज़्यादा भूखे रहते हैं, उन लोगों को, या फिर वैसे लोग जो लोग शराब सिगरेट ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर आपको भी हाई ब्लड प्रेशर है तो प्लीज़ आप तंबाकू खाना या फिर सिगरेट पीना और शराब पीना ये सब तुरंत ही बंद कर दें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारे हाई ब्लड प्रेशर का। चलिए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सके। सबसे पहले दोस्तों, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। अगर आप मोटे हैं तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का ये भी एक मुख्य कारण है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, आप हमेशा टेंशन लेते हैं किसी न किसी वजह से, तो आप अपना टेंशन कम कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर का। और हाँ, सुबह जगने के बाद आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और खाली पैर फील्ड में चलें, इससे भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी कम होती है। और सुबह उठने के बाद आप नारियल पानी ले सकते हैं रोज़। नारियल पानी लेने से जो हमारा ब्लड असंतुलित होता है उसे शांत करने में नारियल पानी काफ़ी ज़्यादा मददगार है। शोधकर्ताओं का मानना है कि नारियल पानी में जो पोटेशियम होता है वो सोडियम की मात्रा को कम करता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए आपको सुबह में ज़रूर नारियल पानी का उपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक बात आती है घरेलू उपाय की, तो अगर आपके यहाँ तुलसी का पेड़ हो तो आप रोज़ कम से कम सुबह में 2-4 तुलसी का पत्ता ज़रूर यूज़ करें। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये बहुत सारे डिजीज में काम करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक रामबाण इलाज है। आप ये सब करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, इन्हें कभी जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर कमेंट्स करें। अगर आप इसका इलाज आयुर्वेदिक नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को शांत, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स ज़रूर करें, हम आपको बताएंगे इसका सही उपचार। दोस्तों, और एक नेचुरल तरीका मैं आपको बताती हूँ हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का। अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने अभी बीपी लिया है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आप उसको तुरंत कम करना चाहते हैं, तो जो मैं अभी स्टेप बता रही हूँ, आप इसे करके देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आप थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग को शांत कर लें और कम से कम रोज़ सुबह शाम 5 मिनट के लिए ये ज़रूर करें। अपने आँख को बंद करें और स्थिर मुद्रा में कहीं भी आप बैठ जाएं और अपनी दोनों मुट्ठी को बंद कर लें इस तरह से, और पूरे प्रेशर के साथ बंद करें, क्योंकि जो हमारे हाथ हैं, जितने भी उंगली हैं हमारे हाथों की, इनका कनेक्शन हमारे बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन से है, जो मैं आपको बाद में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप इतना जानिए दोस्तों कि अपना मुट्ठी बंद कर लें ज़ोर से प्रेशर के साथ इस तरह से, और लंबी सांस लें। इस तरह से सांस लें और छोड़ें। ऐसा करने से अगर आप 5 मिनट रोज करते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से इन्फॉर्मेटिव है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे समाज में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। जय हिंद।